हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो पिछली क्लास में हमने क्या कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था, आपका जो रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेथड्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ा था बेसिकली, कि रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। ये है क्लास नंबर 44, इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कम्प्लीट कोर्स के, और इसमें मैं करूँगा स्टार्ट यूनिट 2 से। तो पहले मैं क्या कहते हैं वीडियो बना रहा था, वो वीडियो पर बीच में उसमें कुछ दिक्कत आ गई, तो इसलिए क्या कहते हैं मेरे को फिर से करनी पड़ रही है। मैं यहाँ तक पहुँच गया था, फिर एकदम से फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ गई, पर अब फिक्स कर ले। तो दोस्तों यूनिट 2 है आपकी, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड, और मैंने इसमें जो बताया था मैं फिर से बताया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हमने बात करी थी। वो कौन से होते हैं? दो प्रकार के, एक तो प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में आपके वही आ जाते हैं जो आप अब तक पढ़ते आया, विच इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, या इसे आप फैक्टर इनपुट का नाम भी दे सकते हैं। और दूसरे जो सेकेंडरी आते हैं उसमें जो इनके अलावा जो भी हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रॉ मटेरियल हो गए, ये एक्सेट्रा, वो सारे सेकेंडरी में आ जाते हैं, और उन्हें आप नॉन फैक्टर इनपुट्स भी कहा जाता है। फिर बात आई थी लॉ ऑफ रिटर्न की। अब ये क्या कहते हैं, दो दो पीरियड में होता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन क्या, कौन सा पीरियड होता है जिसमें क्या कहते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, और लॉन्ग रन कौन सा पीरियड होता है जिसमें सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके वेरिएबल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो शॉर्ट रन में लॉ ऑफ रिटर्न है उसे क्या कहा जाता था, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, या कहते थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, और लॉन्ग रन वाले को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल या लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। फिर हमने बात स्टार्ट करी थी आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, और वहां से फंक्शन दिया था आउटपुट फंक्शन एफ इज अ फंक्शन, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल पे बार इसलिए लगाया था बिकॉज इज अ शॉर्ट रन एंड उसमें ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, फिर आपको बताया था कि एमपीपी क्या होता है। एमपीपी क्या होता है, चेंज इन टीपीपी ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब पहले आप क्या कहते हैं, सिर्फ एमपी टीपी पढ़ते थे, पूछ रहे होंगे सर ये दूसरा पी कहाँ से आ गया। दूसरा पी का मतलब कुछ नहीं है, बस फिजिकल आ जाता है यहाँ पे, फिजिकल मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, तो इसलिए दो बार पी आता है, क्योंकि यहाँ पे ना आप रेवेन्यू और प्रोडक्ट में डिफरेंस, रेवेन्यू और फिजिकल प्रोडक्ट में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जैसे आपका टोटल प्रोडक्ट है वो इस बार दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक होता है आपका टीआरपी और एक होता है आपका टीपीपी। अब टीपीपी क्या कहते हैं, वो आपके यूनिट्स में होगा, जैसे भाई 200 यूनिट्स आपने बना दी, ठीक है ये टोटल प्रोडक्ट है, पर 200 यूनिट 10 के हिसाब से बेच दी, तो टीआरपी कितना हो गया आपका, 2000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं ये वाला डिफरेंस आ जाएगा। फिर हमने ये क्या कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टार्ट करा था, और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर ये वाला पॉइंट आता है मतलब फिर डिमिनिशिंग रेट से, फिर मैक्स, फिर गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे, फिर अब मैं रे और स्लोप के कॉन्सेप्ट से आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से अगर आप स्लोप डालते रहेंगे ऐसे ऐसे, तो ये जो मैक्सिमम स्लोप है, या मतलब ये टेंजेंट अगर आप देखेंगे, फिर वहाँ से चेंज हो जाता है, तो ये टेंजेंट जहाँ से आपका जो टेंजेंट है स्टीपेस्ट होता है, यहाँ पे आपका एमपीबी जो है मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब वही क्या कहते हैं अगर रे की बात करें, और अगर वैसे भी देखेंगे ना, तो ये क्या कहते हैं जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो चेंज मार्जिनल वाले रेट में आता है, क्योंकि आप उसे डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं। ठीक है, वो ऐसे ही इस प्रकार से निकलता है, और यहीं पे अगर आप रे डालना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे मैंने रे डाल दी, तो ऐसे देखो एक ये रे भी जारी होगी, तो जो ये वाली रे होती है ना, मतलब ये जो रे निकालते हैं यहाँ से, अगर आप किसी का भी निकालोगे तो दिस अपॉन दिस, तो ये आपका एपीपी बता रही होती है, एपीपी। ठीक है, स्लोप ऑफ आपका रे क्या बताती है, स्लोप ऑफ रे आपका एपी बताती है, एपीपी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बताती है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये जब स्टीपेस्ट है एमपीपी यहाँ पे मैक्सिमम है, और ये जब स्टीपेस्ट है स्लोप ऑफ रे यहाँ पे आपका एपीपी जो है वो मैक्स होगा, और यहाँ पे क्या होगा एमपीपी आपका मैक्स होगा। ठीक है, और इस पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमपी जो है वो मैक्सिमम होता है। तो एमपी अगर यहाँ से आप बनाना भी चाहो तो ये यहाँ से आ जाएगा ऐसे, और ये यहाँ से फिर नीचे नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम से फिर नीचे होना शुरू हो जाएगा, ये आपका एमपी बन जाएगा। ठीक है, फेजेस आप सभी को बताइए, ये फेज वन होता है, ये फेज आपका टू होता है, और फिर इसके बाद आपका फेज थ्री होता है। तो एमपीपी आपने किससे ऑब्टेन करा, एमपीपी आपने ऑब्टेन करा टेंजेंट से, और एपीपी किससे ऑब्टेन करा आपने, बाय ड्रॉइंग रेज, जो यहाँ से आपने ही रेज निकाले है। ठीक है, यहाँ तक कोई कहानी, सारी कहानी क्लियर है? फर्स्ट फेज में आप सभी को पता है इंक्रीजिंग रिटर्न होते हैं, फिर डिमिनिशिंग, फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं।
तो अगर मैं कॉस्ट स्ट्रक्चर की इसमें बात करूं तो शॉर्ट रन कॉस्ट स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड होता है? आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन स्ट्रक्चर पे, और वो किस पे बेस्ड होता है? आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे। तो अगर मान लीजिए अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो गया, सबसे पहली बात तो ये ऑलरेडी जो है आपका नॉर्मल प्रॉफिट्स कंटेन करता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इन टू पे इज इक्वल टू क्यू इन टू ए सी, क्यू से क्यू कट जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट वाला केस हो गया। अगर पी ए सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला केस है। अगर ये इससे छोटा है ए सी से, तो ये आपका लॉस वाला केस है। तो सबसे पहली बात, आप एम सी से कंपेयर नहीं करते, वो एम आर एम सी कंडीशन होती है, बट आप उससे ये नहीं बता सकते कि उसे सुपर नेचुरल प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या वो नॉर्मल प्रॉफिट अचीव कर रहा है, ठीक है। और जो आपकी इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है, वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, और वही आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अगर कॉस्ट की बात करूं, भाई कॉस्ट की बात करी दे, तो कितने प्रकार की कॉस्ट होते हैं, चलो सारी एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। टी एफ सी हो गई आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट, इसमें फिर ए एफ सी निकल जाती है एवरेज, फिर टी बी सी ए बी सी, ठीक है, फिर टी सी हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है, ए टी सी, या इसे ए सी कह लीजिए, जैसा भी आपका मन करे, और ये हो गया एम सी। तो अगर यहाँ से आप करेंगे तो ये आपकी आ गई सात, सेवन टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है। बट इसमें जो मेन आपको डिस्कस करनी है ना, जो आने वाली है, वो ये आएगी टी बी सी ए बी सी और ये एम सी, इनसे रिलेटेड ही आते हैं जो मेन कॉस्ट आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। और जो आपका प्रोडक्शन होता है और कॉस्ट होता है, वो इनवर्स रिलेटेड होते हैं, एंड वो तभी कंपेयर्ड हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस उनकी सेम है, पर जो आपका कॉस्ट और प्रोडक्ट है, वो क्या कहते हैं, वो आपका क्या कहते हैं, कंपेयर करे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, अब ग्राफ देख लेते हैं किस किस प्रकार के बनते हैं। तो मतलब इन दोनों को अगर हमें कंपेयर करना है, तो दोनों को साथ में लेके चलेंगे भाई, प्रोडक्ट को और आपकी कॉस्ट को। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेबर, यहाँ पे क्या आ जाता है, आउटपुट, ये क्या कहते हैं, ए बी सी, और ये क्या आ जाता है आपका, ए पी पी। तो ए पी पी कुछ इस प्रकार से होता है, जहाँ से ए पी पी मैक्सिमम होता है, वहाँ पे क्या कहते हैं, ए बी सी का मिनिमम होता है, ठीक है। यहाँ से ये यह कंपेयर हो गया, और वैसे भी देख सकते हैं आपकी कॉस्ट कैसी है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ रही है तो आपकी कॉस्ट कम होती जा रही होगी, इसलिए क्या कहते हैं, इंक्रीज होती जा रही है, फिर बढ़ती जा रही है तो कम हो रही है, तो ये नॉर्मल सी कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाता है, फिर आपका आपका टी पी आ जाता है, और इससे कंपेयर किससे करोगे, टी सी से। तो चलो यहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता ही है यहाँ से लेके यहाँ, तो मैं इसलिए डिमिनिशिंग रिटर्न इसलिए नहीं बना रहा, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर वहाँ पे ऑपरेट नहीं करता, तो देर इज़ नो डिस्कशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ओवर हेयर, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने ले लिया, ये आपका फेज़ वन ले लिया, फिर ये क्या कहते हैं, फेज़ टू, यहाँ से ये एम पी यहाँ तक जाएगा, फिर ये एम पी भी नीचे करेगा एम पी एल, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, गिराना चाहो गिरा लो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर जो आपकी टी वी सी होती है, वो यहाँ तक तो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी, क्योंकि ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, बिल्कुल उल्टा चलता है। और फिर क्या कहते हैं, ये डिमिनिशिंग से हो जाती है, इसका मतलब ये है भाई आपकी कॉस्ट तेजी से बढ़ने शुरू हो रही है, ये आपका हो गया टी वी सी। अब टी वी सी और टी सी में कुछ अंतर नहीं है, हल्का सा यहाँ तक, जैसे कुछ मान लो ये 100 रुपये फिक्स कॉस्ट आपकी है ही, तो टी सी जो है वो यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के पैरेलल होगा, पर वो यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि क्योंकि टी सी में आपकी एक फिक्स कॉस्ट भी प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। फिर आपका कौन सा आ जाता है, फिर आपका आ जाता है भाई एम पी वाला, एम पी वाला केस ये हो गया, ये आपका एम पी है, ठीक है, और वही है बस एम पी ए है, तो आपका एम सी कुछ इस प्रकार से हो जाता, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, अगर एम पी की मैं बात करूँ, ये क्या हो जाता है, डी क्यू बाय डी एन, और यहाँ पे एम सी की बात करूँ, ये क्या हो जाता है, डी वी सी बाय डी क्यू, या डी क्या कहते हैं, सी भी ले लोगे, टी सी भी ले लोगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिक्स तो क्या कहते हैं, वो वैसे भी जीरो होना है, अगर आप उसे डेरीवेट कर लोगे। अब यहीं पे इसी ग्राफ में मैं क्या कहते हैं, ए बी सी और ए पी पी ऐड कर देता हूँ। ए बी सी और ए पी पी आपने यहाँ पे निकाल ही लिया था, यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हो। आपका कैसे जाता था, ये आपका यहाँ तक जाता था कुछ ऐसे, जो आपका ए पी पी होता था, और फिर आपका गिनना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ले लो, इसी में सेम चीज़ क्या होने वाली है, कि जो आपका एम सी है, एम सी तो आपने बना दिया, तो ए बी सी एम सी के ऊपर आता था, और वो कैसे जाता था, वो यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है, सेम नीचे जाके वहाँ इंटरसेक्ट करता था, और ऐसे कुछ आगे चला जाता था, ठीक है। ये हो जाता था आपका ए बी सी, और ये हो जाता था आपका ए पी पी, ठीक है, ये आपने पहले भी कर रखा है। और एक चीज़ और, कि जो आप ये इनपुट मार्केट पढ़ रहे हो ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इनपुट मार्केट भी दो प्रकार की होती है। एक तो जो मैंने पहले आपको पढ़ाई थी लेबर मार्केट, जिसमें आपका बी एम पी एल किसके इक्वल होना चाहिए, बी एम पी एल आपका वेजेस के इक्वल हो जाता है, उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, और दूसरा आपका गुड्स मार्केट, ठीक है। तो इनपुट मार्केट भी आपकी दो प्रकार की होती है,
तो ये आप ध्यान रखना। ये तो आपकी हो गई शॉर्ट रन की कहानी। इसमें क्या कहते हैं फिर आगे, पता है क्या चीज़ आती है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। ये चीज़ मैंने सेमेस्टर वन में ही शायद आपको करा दी थी। तो इसमें सबसे पहले अजम्पशन आप सभी को पता ही है कौन कौन सी होती थी, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक है, मार्केट इज डिवाइड ड्यू टू नंबर ऑफ सेलर नॉट फ्रॉम द नंबर ऑफ बायर, सबसे पहली बार ये। तो नंबर ऑफ बायर्स लिखते हैं पर वो बायर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली क्या कहते हैं सेलर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर सेलर होते हैं और इसी कारणवश आपका जो इंडस्ट्री का प्राइस होता है वही आपको फर्म का प्राइस रखना पड़ता है। दूसरा क्या होता है होमोजीनियस गुड्स। होमोजीनियस गुड्स का मतलब क्या है कि भाई आपका यूनिफॉर्म प्राइसिंग होती है क्योंकि गुड्स क्या कहते हैं सेम प्रकार के होते हैं और उनमें कोई डिफरेंस आप नहीं मेकआउट कर सकते। तीसरा ये भाई फ्री एंट्री और एग्जिट होती है जिसके कारण सभी क्या कहते हैं अपना नॉर्मल प्रॉफिट वहाँ पे अर्न करते हैं। ठीक है, ये सारी इम्प्लीकेशन आप सभी को याद हो चुकी होगी इस वक्त बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, फिर आपका क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे निकालती, प्रॉफिट क्या हो जाए टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये फिर डिफ्रेंशिएट करते डी क्यू बाई डी क्यू और ये डी टी आर बाई डी क्यू क्या हो जाएगा, डी टी आर बाई डी क्यू इजल टू एम आर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा डी टी सी माइनस, अब डिफ्रेंशिएट करोगे क्योंकि रिस्पेक्ट में ये एम सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब यही होता है दोनों का। अब इसे क्या कहते हैं मैक्सिमाइज कंडीशन क्या होती है कि आप इसे इक्वल टू जीरो रखोगे। ठीक है, अगर मैक्सिमम मिनिमम आपने देखा हो तो फिर कंडीशन क्या आ जाती थी एम आर इक्वल टू एम सी। फिर जो सेकंड कंडीशन हम लेते थे मैक्सिमम मिनिमम के लिए, उसमें क्या होता था कि आपका जो डबल डेरिवेटिव कंडीशन भी जिसे कहते थे, तो यहाँ पे डी टू क्यू बाई ये हो जाएगा डी क्यू, तो यहाँ पे क्या होगा ये स्लोप ऑफ एम आर हो जाएगा स्लोप ऑफ एम सी। तो स्लोप ऑफ मतलब इसे हटाओ, स्लोप ऑफ एम आर माइनस स्लोप ऑफ एम सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने होते थे तो ये जो था इसे आपको लेस देन जीरो देते थे, नेगेटिव लेते थे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई दूसरी कंडीशन आपकी आ गई, दैट इज स्लोप ऑफ एम सी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर। ठीक है, फिर आपकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनती थी। आप इसमें क्या कहते हैं सुपर नेचुरल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, आपके लॉसेस भी हो सकते हैं, पर वो किससे पता लगता था, वो आपका पता लगता था ए सी से। ठीक है, आप एम सी से पता नहीं लगा सकते, ए सी अगर ऊपर है। ठीक है, उसी हिसाब से मतलब ग्राफ से ये समझाया हुआ है। जैसे अगर इस डायग्राम में देखें एम आर एम सी यहाँ पे कट कर रहे, तो यहाँ पे बस ए सी क्या कहते हैं इतनी है, तो इतना आपका लॉस हो जाएगा। वहीं अगर ए सी क्या कहते हैं यहाँ पे होती तो यहाँ से लेते इस पॉइंट पे ए सी और ये आपका सुपर नेचुरल प्रॉफिट हो जाता है। वहीं अगर इक्वल दोनों पे इंटरसेक्ट करती तो आपके नो प्रॉफिट नो लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट वाले आपके कंडीशन क्रिएट हो जाते। तो ये था आपका शॉर्ट रन का सारा बढ़िया तरीके से। ये डिटेल में करना है तो आप सेमेस्टर वन की वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में करा रखा है। बाकी अभी भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसलिए मैंने जल्दी लिया क्योंकि ये सब चीज़ें हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद सो मच एंथुजियाज्म। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल